खबर बेतिया से है, जहां राजकीय आदर्श विपिन मध्य विद्यालय में वरीय शिक्षक अनिमा रक्षित का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में विद्यालय के सभी शिक्षक मौजूद रहे, साथ ही अन्य विद्यालयों के प्राचार्य भी मौजूद रहे। वहीं अनिमा रक्षित विदाई को लेकर काफ़ी भावुक दिखी और उन्होंने कहा कि अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मैंने न्यौछावर कर दिया, जिसकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। जाते बच्चों के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चे जैसे रोज नियमित रूप से आते थे और अपने छोटे छोटे भाई बहन या अगल बगल से लेके ही आवे, बच्चों की संख्या 100% बने रहे, यही मेरी शिक्षा। पूरा जीवन शिक्षक में दे देने के बाद आप आज विदा ले रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है? विदा लेने में तो बहुत दुख होती है कि मैं अपनों से बिछड़ रही हूँ। ये भाई बहन के द्वारा ऐसे संगत तो मुझे हर जगह मिलती है, लेकिन एकता बार बार नहीं मिलेगी कि सबको मैं हाथ से मिलाती थी, पूछती थी, कहती थी, वो कहने का मौका ऐसे खत्म हो जाएगा। उनकी कमी तो शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी। शिक्षिका के रूप में उन्होंने विद्यालय को दिया है, वो स्मरणीय है, अनुकरणीय है, उसे हम कभी नहीं भुला सकते हैं। यह 24 घंटा विद्यालय के लिए तत्पर रहती थी, इनके क्रियाकलाप को हम लोग हमेशा याद करेंगे, ये कभी नहीं भूली जाएंगी। इनका बच्चों से मिलना, सभी से मिलना, सभी से प्रेम करना, सभी से व्यवहार करना, हालांकि सबके सीनियर थे, लेकिन कभी महसूस नहीं होने देती थी कि हम सीनियर हैं। अनुज हो या अग्रज हो, सबसे मिलकर रहते थे, इनका व्यवहार उत्तम था। आज आप विदाई में देख रहे हैं, सभी लोग इनकी तारीफ की तारीफ कर रहे हैं, इसीलिए लाखों दीप जलते हैं, हजारों फूल खिलते हैं। ऐसी शिक्षिका किसी विद्यालय को बड़ी सौभाग्य से मिलते हैं, बड़ी सौभाग्य से मिलते हैं। इसी के साथ मैं अपने बयान को समाप्त करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है, मैं इस विद्यालय का सहायक शिक्षक हूँ। मैं इस विद्यालय में 2007 में आया, तब से निरंतर इस विद्यालय में अपना सेवा प्रदान कर रहा हूँ।